नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्रीपुरा नागौर के ई अधिगम प्लेटफार्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज वैदिक गणित के आधार अध्ययन प्राथमिक स्तर पर हम पढ़ेंगे सूत्र निकलम विधि से गुणा करना जब आधार 100 हो और विचलन ऋणात्मक हो। सूत्र निकलम विधि से गुणा करना जब आधार 100 हो तथा विचलन ऋणात्मक हो। सूत्र निकलम विधि से गुणा करना जब आधार तो 100 होगा और उसके विचलन माइनस में यानी ऋणात्मक होंगे। एक उदाहरण से समझिए, 85 × 93 इन संख्याओं को ऊपर नीचे लिख लीजिए। 1. सबसे प्रथम कार्य आपको करना है आधार लेना है। आधार बराबर 100, संख्या 85 का विचलन, संख्या 85 का विचलन बराबर माइनस के 15 है। संख्या 93 का विचलन बराबर माइनस के 7। 85 के जो विचलन है वो उसके आगे लिख दीजिए। 85 के जो विचलन है माइनस 15 लिखें और 93 के विचलन 7 लिखें, 07। संकेत दूसरा, इसके दो भाग कर लीजिए, बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष। अब दूसरा जो चरण या कदम है उसमें आपको विचलनों का गुणा करना है। विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल दोनों संख्या माइनस की है तो इसका गुणनफल प्लस में आता है। निशान परिवर्तन में पिछले वीडियो वाले कालांश में बता चुका हूँ कि गुणनफल में चिन्ह प्रक्रिया क्या है। प्लस के 105, इन दोनों के माइनस और माइनस का गुणा करने पर प्लस होता है। 15 को 7 से गुणा किया 105। दाएं पक्ष में लिखेंगे, विचलनों का गुणा लिख दीजिए यहां पर। तीसरा चरण, स्टेप नंबर 3, यहां पर तिर्यक जब हम इसको सरल करेंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। दाएं बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में ये बायां पक्ष है, 85 − 07 या 93 − 15 का मान, दोनों को सरल करने पर एक ही मान आता है 78 लिखेंगे।
85 माइनस 07। इसको अब जब हम सरल करेंगे तो 105। इसको सरल करने पर आते हैं 78, जो हमने दाहिने पक्ष, यहाँ पर 105 दाहिने पक्ष में लिख दिया और 78 बाएं पक्ष में लिख दिया। स्टेप नंबर 4, आधार में आधार 100 में 2 शून्य है, आधार 100 में 2 शून्य है, इसलिए दाएं पक्ष में 05 लिखेंगे और बाएं पक्ष में 1 अंक को जोड़ेंगे। ये दो संख्या है वो इसमें जुड़ जाएगी। 2 अंक यहाँ रखने हैं क्योंकि आधार 100 है, आधार 100 में 2 शून्य है, इसलिए 2 अंक यहाँ रखने हैं। 1 अंक को इस बाएं पक्ष में जोड़ देना है। तीसरी संख्या को हटा लीजिए, आपका अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अभीष्ट उत्तर बराबर 7905। इसी तरह आप कोई दूसरी संख्या ऋणात्मक लेकर प्रश्नों को सरल करना। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, यदि इन दोनों को गुणा करने पर यहाँ पर 2 अंक आए तो 2 अंक ही रखने हैं, आगे नहीं ले जाने हैं, क्योंकि 2 अंक 2 शून्य के बराबर है। यदि इसको गुणा करने पर यहाँ पर 3 अंक आते हैं तो 1 अंक को आगे ले जाना है। बात समझ में आगे होगी, वापस बताता हूँ। विचलनों का गुणा यदि 2 अंक में आए, यहाँ तो 3 अंक में आए हुए हैं, यदि 2 अंक में आते हैं तो दोनों अंक यहीं रखने हैं, यदि 3 अंक आते हैं तो 1 अंक को आगे बाएं पक्ष में ले जाकर जोड़ना है। गुणे में निशान परिवर्तन में बता चुका हूँ, इसलिए उस वीडियो को आप पुनः देख ले। में एक ऐसा ही उदाहरण आपको खुद ही समझना है, खुद ही हल करना है। यानी इस यहाँ पर जो संख्या है 100 से कम लेनी है, 100 से कम लोगे तो दोनों संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। आप घर पर सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।